नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार बुरी तरह फंसा हुआ है। कांग्रेस नेताओं को डर सता रहा है कि कहीं सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी आने वाले दिनों में हवालात में बंद ना हो जाएं और उसके बाद पार्टी का क्या होगा। ईडी सोनिया और राहुल गांधी पर लगातार शिकंजा कसे हुए है। अब तक दोनों नेताओं से कई दौर की पूछताछ हो चुकी है। वहीं ईडी ने बीते दिनों नेशनल हेराल्ड अखबार के एक दर्जन स्थानों पर छापेमारी की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक खाता बही संदिग्ध लेन देन की ओर भी इशारा कर रहा है। खबरों के माने तो केंद्रीय जांच एजेंसी को हवाला के जरिए लेन देन के सबूत भी बरामद हुए हैं। वहीं ईडी के मुताबिक पीएमएलए की आपराधिक धाराओं के तहत अतिरिक्त सबूत इकट्ठा करने के लिए तलाशी ली जा रही है। इस दौरान ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में यंग इंडिया के ऑफिस को भी सील कर दिया है। जांच एजेंसी के मुताबिक नेशनल हेराल्ड परिसर में यंग इंडिया के ऑफिस को अस्थायी तौर पर सील किया गया है। यंग इंडिया के दफ्तर के बाहर नोटिस भी चस्पा किया है। इस पर लिखा है कि इस ऑफिस को एजेंसी की अनुमति के बिना खोला नहीं जा सकता। अधिकारियों ने बताया कि ईडी की टीम ने परिसर खोलने के लिए कार्यालय के प्रधान अधिकारी और प्रभारी को ईमेल संदेश भेजा था, लेकिन उसका जवाब नहीं आया है। वहीं ईडी की कार्रवाई को देखते हुए कांग्रेस मुख्यालय और पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास के बाहर पुलिस सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशन एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड करती है और इस कंपनी की हिस्सेदारी यंग इंडिया के पास है। नेशनल हेराल्ड एजेएल के नाम से पंजीकृत है। ईडी ने धनशोधन मामले की जांच के तहत बीते दिनों हेराल्ड हाउस में नेशनल हेराल्ड के कार्यालय सहित चार राज्यों में एक दर्जन ठिकानों पर छापा मारा था। इस दौरान ईडी को कई ऐसे सबूत मिले हैं जिससे साफ हो गया कि नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार का बचना मुश्किल है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।